रोज रोज का वही नाश्ता खा करके अगर आप बोर हो चुके हैं तो बनाइए बिल्कुल नया और टेस्टी हेल्दी सा नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में बना के खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक कच्चा आलू को छील करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपने देखा हमने इस आलू को पानी में ही रख करके ग्रेट किया है, ताकि जो आलू के लच्छे हैं ना, वो बिल्कुल भी काले ना पड़े और इसमें जितना भी स्टार्च है वो भी निकल जाए। अब हम हाथ में से निचोड़ते हुए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कप ले लिया है पानी। अब इसमें हम डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं गरम मसाला पाउडर। इसमें हम कुछ सब्जियां डाल लेते हैं, तो जो ग्रेट किया हुआ आलू था उसे हमने रख लिया है। अब यहाँ पे हमने कटा हुआ टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेट किया हुआ कैरेट डाल लेते हैं, कटा हुआ प्याज डालेंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कटी हुई धनिया की पत्तियाँ भी डाल ली है। इसमें हमने थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ लिया है। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा नाश्ता। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने आधा कटोरी डाल लिया है गेहूं का आटा, आधा कटोरी डाल लेते हैं हम सूजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कप पानी में आधा कप हमने आटा और आधा कप सूजी डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर ले। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, इससे जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाती है। बैटर हमारा रेस्ट कर चुका है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल भी गाढ़ा या बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं है। तो अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक तड़का लगा लेते हैं, जिससे इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तड़का पैन में ऑयल को गर्म कर लेते हैं। इसमें हमने डाल लिया है राई, कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं और कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। अब इस तड़का को हमने डाल लिया है बैटर में और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं रखना है। अब ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। कढ़ाई में हमने थोड़ा ऑयल डाल लिया है और इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच इस बैटर को डाल लेते हैं। अब हम इस नाश्ते को इसी तरह से पकने देते हैं जब तक ये एक तरफ से क्रिस्प ना हो जाए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से ये थोड़ा ड्राई हो चुका है और साइड साइड से देख सकते हैं ये क्रिस्प हो चुका है। तो बिल्कुल सावधानी से आप इसे पलट लें। पलटते पलटते दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्प होने तक हमने इसे पका लिया है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है और इसी तरह से हमने बाकी के भी नाश्ते बना के तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से गेहूं के आटे से बनाए हेल्दी टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे कि आप सुबह शाम के नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बाहर से ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी स्नैक्स को बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।